ये व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं और मम्मी आपको ईद के मौके पर लेके चल रहे हैं ईद पर घुमाने, मेला घूमने। वाह यार, मेले में बड़ा मज़ा आने वाला है। आपको क्या करना है, बस बैठ जाना है आराम से पैर उठा के एंड व्लॉग एंजॉय करना है। आपको सारी रौनकें देखने को मिलेगी, क्या क्या झूले लगे हैं। पुरानी दिल्ली में झूले लगे, बहुत बड़े लेवल पर झूले लगे हैं भाई साहब, बहुत लंबे, मतलब पूरे ग्राउंड में लगा हुआ है। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है पुरानी दिल्ली में और जामा मस्जिद के सामने। तो भाई साहब बहुत मज़ेदार होने वाला है ये व्लॉग, बने रहो। मेला घूम कर आएंगे, खूब सारे झूले झूले हैं, खूब मज़े किए हैं। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको रास्ते में सारी रौनकें दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इतनी रौनक है रोड पर, आपको हर तरफ मतलब लोग दिखेंगे, हरा भरा दिखेगा, लाइक हरा भरा इन द सेंस लाइक मतलब सब तरफ अच्छे लोग एंड घूमने का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। हर तरफ आपको लोग दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे नए नए कपड़े पहन के, और उनको शौक़ होता है ना, सबको शौक़ होता है घूमने का तैयार होकर, तो बस वही है। एंड मैंने ऑटो कर लिया है, चलते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब लोग यू नो एवरीवेयर। अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ यार, मतलब जो भैया है ना ऑटो वाले भैया, भाई साहब उन्होंने ना न्यू रास्ते से हम लोगों को ले गए। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ये रास्ता, लाइक पुरानी दिल्ली के उधर ही है भाई साहब, पीछे से कहाँ से। मैं यही सोच रही थी यार, मैंने न्यू रास्ता लोकेशन एक्सप्लोर किया, फिर जैसे तैसे हम लोग उतरे। एंड यू नो व्हाट, काफ़ी लोग ना मुझे मेरे सूट देख के कह रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे ये देखो पाकिस्तानी सूट डाला, ये है ना, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा सुना। तो पता है यार, ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुन के ना बड़ा अच्छा सा लगता है, लाइक यार हाँ कि चलो यार हमने जो पहना है वो हमारा, मतलब यू नो उस वसूल हुआ, लाइक कुछ बोलते हैं ना कि वसूल हुआ, कि मतलब अच्छा हुआ कि मतलब लोगों ने तारीफ़ करी। एंड आप देख सकते हो रश, एंड आप देख सकते हो भाई साहब बहुत रश। और पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रौनक भी पता चलती है, ये भी बात है कि मतलब ईद की रौनक यहाँ पे पता चलती है। तो आप बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है और कितनी रौनक है, तो आप ना ऐसा करो इन्जॉय करो। और भाई साहब एक बात बताऊँ, रास्ता क्रॉस करने में ना यार ऐसी तैसी हो गई थी यार, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग, और प्लस धूप, तो यार ये सब मुश्किल तो हो ही जाता है ना। इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज इट्स रियली अ यू नो टास्क। तो हाँ जी, अब आप देखिए मेरे साथ अंदर मेले में चलिए एंड इन्जॉय कीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे अभी यहाँ पे बात नहीं करूँगी, आप खाली इन्जॉय कीजिए, रिलैक्स होके सारा नज़ारा देखो घर बैठे कि भाई सब कितना रौनक है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे झूला झूल रहे हैं, ये सब है ना, सही बोल रही हूँ ना। तो चलो, हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सना का जुनून। तो कैसा लग रहा है ये व्लॉग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, मजा माँ, जो भी है फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग ज़रूर बताना। भाई साहब बहुत रियल स्ट्रगल है, इसलिए इस चीज़ के लिए लाइक तो कर दो, वीडियो लाइक कर देना, मेरी मेहनत को, मेरी मम्मी की मेहनत को देखते हो इस वीडियो को लाइक कर देना। बिकॉज पता है यार, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी जामा मस्जिद, और ऑब्वियसली मेरी मॉम और मैं फ़र्स्ट टाइम गए थे जामा मस्जिद, इस्पेशली ईद के डेज़ में, राइट, ईद डे वन, ईद डे टू, ईद डे थ्री। भाई साहब हमें नहीं पता था यार कि इतनी तगड़े लेवल पे भीड़ होती है, खूब रश होता है। खैर मज़ा भी आया था, तो चलिए आप देखिए, मतलब ईद के मौके पर, ईद के टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग उधर विजिट गए, विजिट किया था, अदरवाइज हम लोग ऐसे जाते रहते हैं, दैट्स नॉट अ थिंग, बट हाँ ईद के टाइम पर इतने रश में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। यस, फ्रेंड्स पता है इतने ज़्यादा लोग धक्का दे रहे थे ना यार, कोई भी हो, कोई भी धक्का दे रहे थे यार, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत मुश्किल है, हाय हाय, बहुत ज़्यादा भी है।
कर देते। सो फ्रेंड्स यार झूलो झूलने के लिए मतलब इतनी ज्यादा भागम भाग, एक दूसरे को धक्का दे देकर एक दूसरे को धक्का दे देकर यार लोग सीख ले रहे हैं। हाय यार, मैंने नहीं सोचा था सच्ची में कि इतनी भीड़ होगी, बट आ गए तो थोड़ा झूल तो लेते ही है ना किसी भी तरह, कोशिश करके। और अंदर पता है फ्रेंड्स काफ़ी कुछ था, खाने का स्टॉल्स था एंड गेमिंग थी, बच्चों के लिए था, बड़ों के लिए बहुत मस्त मस्त झूले थे यार, मतलब इतने मस्त मस्त की ना भाई साहब। और पता है वो जो ब्रेक डांस था ना यार, वो उसने तो भाई साहब हालत टाइट कर दी, बताऊँ कैसे। मतलब मेरे को ब्रेक डांस ना झूला बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी किसी मेले में जाती हूँ ना उसको तो ज़रूर उस पर ज़रूर बैठती हूँ। लेकिन आपको पता है इतनी लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा था, पता है आपको झूले झूलने के लिए लाइन लग रही थी बहुत, क्योंकि मैंने ये सोचा जब इतने स्ट्रगल से इतनी मुश्किल से अगर एंट्री मिली है भाई साहब, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, तो क्यों ना फिर झूला भी झूली लो, फिर जैसे तैसे करके झूले भी झूले, बट मज़ा आया। आप देखो एंजॉय करो व्लॉग को, लाइक भी कर देना। और पता है इतनी ज़्यादा थक्की मुक्की हो रही थी, हाय। और बताओ मैंने ना पेंसिल हील्स डाल रखी थी राइट, तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर किया जिसमें ना यार ये बीच में ना रॉड के मेरी चप्पल चली जा रही थी, सैंडल बार चली जा रही थी, हाय यार। फ्रेंड्स मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, मेरी मेहनत को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और अब बारी आती है घर जाने की, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल से मिला। एंड फिर उसके बाद मेरी ये फेवरेट है वाडीलाल के कचाम पक्काम। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।